हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10वीं पास छात्रों को इस 2024 में इस साल कितने पैसे मिलेंगे और ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा और कब तक होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने वेबसाइट खोल रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे बिहार मैट्रिक पास छात्रवृत्ति 2024, तो हमने वेबसाइट ऑलरेडी खोल रखा है। तो गाइस दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार मैट्रिक पास छात्रवृत्ति 2024 10 पास स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि, इसके तरफ से आपको प्रोत्साहन राशि मिल रही है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे और कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक का स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। ये 2018 से लेकर 24 तक जो जो व्यक्ति पास हैं, पास आउट हो चुके हैं, अगर 2018 में पास गए, उनको नहीं मिला है 10 पास का स्कॉलरशिप, वो भी भर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए और बताते हैं आपको। ये आपको 15 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, 15 अप्रैल से, ठीक है। ये इसका एंड डेट आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए 15/5/2024 तक शो कर रहा है, ठीक है। और आपको बता देता हूँ आगे, देखिए ये मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका 10 पास प्रोत्साहन राशि 2024, इस योजना के तहत 10,000 रुपये और 8,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाता है। देखिए 2024 में 10,000 और 8,000 मिलेंगे। 10,000 किसको मिलेंगे, 8,000 किसको मिलेंगे, ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑल कैटेगरी फर्स्ट डिविजन अप्लाई ऑनलाइन 10,000, मतलब आप का जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो कैटेगरी के आप आते हैं उसमें आपको 10,000 रुपये मिलेंगे जो 10वीं पास हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ एससी एसटी सेकेंड डिवीजन अप्लाई ऑनलाइन 8,000। तो यहाँ पे क्या दोस्तों दिख रहा है, देखिए कि सिर्फ एससी और एसटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो सिर्फ इसको भरेंगे और एससी एसटी के तो इनको सिर्फ 8,000 रुपये मिलेगा सेकेंड डिवीजन पर। बाकी अदर कोई भी कैटेगरी का सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन उनको नहीं मिलेगा, उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये बता दिया और आपको मैं अब बता देता हूँ इसको अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। वीडियो को एंड तक बने रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल कैटेगरी फर्स्ट डिवीजन अप्लाई ऑनलाइन दे रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे